क्लास 5 हो यू होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ योर इंग्लिश बुक। आपने प्रीवियसली एक्सरसाइजेस कर ली होंगी। नाउ यू हैव द राइटिंग टाइम ए। रीड द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग बुक एंड राइट ईच टाइटल इन द करेक्ट कॉलम बिलो। यहाँ पे आपने बुक्स जो सी है, यहाँ पे कुछ बुक्स के नेम दिए गए, जैसे अली बाबा एंड द 40 थीव्स, द लाइन एंड द माउस। ये जो सी है स्टोरीज के नेम है। यहाँ पे आपने बताना है ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन है। फिक्शन आर द बेसिकली शॉर्ट स्टोरी इमेजिनरी दैट डिस्क्राइब द इमेजिनरी पीपल और इवेंट, जो कि इमेजिनरी पीपल या इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं। ये शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में होते हैं, उनको फिक्शन कहते हैं। और जो नॉन फिक्शन होते हैं वो रियलिटी बेस्ड होते हैं। और आपने ये फिर इनको पढ़ के जो से रियलिटी बेस्ड हैं वो नॉन फिक्शन में कर देने हैं, और जो इमेजिनरी पीपल या इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं वो आपने फिक्शन में राइट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास उर्दू की बुक है। यहाँ पे सरगर्मियाँ जहाँ लिखी दिखाई दे रही हैं आपको, ये आपने अपनी नोटबुक पे ही कंप्लीट करने हैं। इस हम्द में अल्लाह ताला की बनाई हुई जिन चीज़ों का जिक्र किया गया इनके नाम तहरीर करें, नोटबुक पे राइट करने हैं। तलबा हम्द के अशार अपनी कापी में खुशखत लिखें। हम्द को प्यारी और नीट राइटिंग में राइट करना है। किसी दूसरे शहर के हम्द को तलबा को लिखवाएं और याद करें, या किसी भी दूसरे शहर के या किसी और बुक से आप देख कर नात जो सी है वो आपने शायर का नाम भी लिखना है और आपने हम्द भी लिखनी है। नेक्स्ट यू हैव द मैथ बुक। आपने प्रीवियसली मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करने हैं बुक पे। नाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 और 4। सेम पेंस पे है, प्लस का क्वेश्चन है। ये 3 और 4 क्वेश्चन भी आपने बुक पे सॉल्व करने हैं। नाउ यू हैव द साइंस बुक। अब आपके पास साइंस की बुक क्या है, फंजाई की पढ़ेंगे आज हम। फंजाई क्या होते हैं, फंजाई आर फाउंड एज यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फिलामेंटेनियस फॉर्म। ऑल फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। आपने एलजी के बारे में पढ़ा था, दे हैव क्लोरोफिल और दे कैन मेक देयर ओन फूड, बट ये फंजाई टोटली ऑपोजिट हैं। ये जो से दे हैव लैक मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं होता और ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, वो अपने इर्द गिर्द से जो खुराक हासिल करते हैं, यीस्ट, राइजोब्स एंड मशरूम्स ईटीसी आर इंक्लूड इन किंगडम फंजाई। यीस्ट आर माइक्रोस्कोपिक फंजाई, राइजोब्स ब्लैक ब्रेड मॉल्ट, ग्रो ऑन द मॉइस्ट ब्रेड एंड फूड्स। मशरूम्स अम्ब्रेला लाइक फंजाई, अपीयर ऑन डर्म्स और डेब्रिस एंड हीप्स ऑफ डंग्स। यहाँ पे नीचे आपको फंजाई की 3 एग्जांपल भी दिखाई दे रही होंगी, यीस्ट, राइजोब्स और मशरूम्स। ये 3 एग्जांपल्स हैं आपके। और फंजाई की डेफिनेशन आपने जो याद करनी है वो यहाँ से होगी। फंजाई आर फाउंड एज यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फिलामेंटियस फॉर्म। ऑल फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। यहाँ तक आप अपनी जो से डेफिनेशन याद करेंगे और नीचे जो 3 एग्जांपल्स दी गई हैं उनके नेम याद करने हैं और अपने नोटबुक पे राइट करने हैं। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।